प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें जन्मदिवस समारोह सेवा ही समर्पण सप्ताह के तहत जलपुर में शहीदों का सम्मान किया गया। कैंट विधायक अशोक रोहाणी के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शहीदों और सैनिकों का सम्मान किया। विधायक अशोक रोहाणी ने शहीदों के बलिदान को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि इनकी वजह से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हम इनका सम्मान करें। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने इस दौरान पूरी गर्मजोशी से शहीदों के लिए नारे लगाए और उनके बलिदान को देश के लिए ऐतिहासिक बताया। अमर रहे भगत सिंह जी, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो बोलो भारत माता। भाई फोटो जान दो। माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अमर शहीदों का बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान, अमर शहीदों का बलिदान। अरे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस को सेवा एवं समर्पण कार्यक्रम के माध्यम से पूरे देश में विभिन्न विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक कार्यक्रमों के माध्यम से सेवा के का अभियान चलाया गया। आज उसी कड़ी में भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में शहीद स्मारक में उन शहीदों को याद करते हुए उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए और साथ ही उन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवारों को आज सम्मानित करने का काम भी भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया। निश्चित रूप से देश के प्रति समर्पित उन परिवारों हमारे लिए बहुत प्रेरणादायी हैं और उन शहीदों को भी आज हम याद कर रहे हैं जिनके बलिदान से आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। ये हमारी नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायी है कि आज हमको जो आज़ादी मिली है ये उनके बलिदान से मिली है। उस बलिदान को हम हमेशा याद रखें और उस इतिहास को हमेशा याद रखें ताकि आने वाली पीढ़ी उस मार्गदर्शन पर, उस प्रेरणा पर चले और देश की सेवा करें। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर सेवा ही समर्पण के अंतर्गत आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत आज सैनिक सब परिवारों का सम्मान किया गया। हमारे देश में, हमारे शहर में ऐसे अभिन्न लोग हैं जिन्होंने अपने सेवा भाव से देश के लिए प्राण न्यौछावर किए, उन्हीं के सम्मान में आज शहीद स्मारक में माननीय अशोक रोहाणी जी के उपस्थिति में आज सैनिकों का सम्मान किया गया। जलपुर से आशीष वाधरे की रिपोर्ट।